हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास है एंड फाइनली यार आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सोनी ST IV 300 वर्सेस लॉजिटेक Z906 के बीच में बैटल ग्राउंड। दोस्तों, आज हम आपको बता देंगे कि यार इन दोनों मॉडल्स में से आपके लिए कौन सा बेस्ट है, या आप इन दोनों मॉडल्स को परचेज करने की सोच रहे हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि यार आपके लिए कौन सा बेस्ट है। दोस्तों, अगर आपको इन दोनों मॉडल्स में से कोई सा भी मॉडल परचेज करना होगा तो मैं दोनों मॉडल्स के परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे से परचेज कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम इन दोनों मॉडल्स के प्राइस आपको बता देते हैं। दोस्तों, सोनी ST IV 300 का जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो है 21,990 रुपीस एंड लॉजिटेक Z906 का दोस्तों अभी करंट प्राइस चल रहा है 24,990 रुपीस। वैसे लॉजिटेक Z906 दोस्तों अगर सेल्स चलती है तो उस समय पे आपको 18,000 तक की रेंज में भी मिल जाता है। सो यहां पे प्राइस पॉइंट में अगर आप लॉजिटेक को परचेस करने की सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से यार आप सेल्स का वेट करिए, वहां पे आपको काफी अच्छा खासा डिस्काउंट लॉजिटेक Z906 पर मिलेगा। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है यार, हम कोई भी बैटल ग्राउंड वीडियो करते हैं तो यार हम दोनों मॉडल्स को पहले टेस्ट करते हैं एंड साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। बट दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ा सा चेंज है क्योंकि हमारे पास दोस्तों दोनों मॉडल्स अवेलेबल नहीं थे। सो यार इस वजह से हमें पुरानी वीडियोस के क्लिप्स को ऐड करना पड़ा एंड उसके बाद हम अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर करेंगे। बट दोस्तों, अभी भी ऐसी बात नहीं है कि हम आपको मतलब स्पेसिफिकेशन पढ़ के आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने दोनों मॉडल्स को टेस्ट कराया है एंड दोनों मॉडल्स का हमने डिटेल पे साउंड टेस्ट भी करा हुआ है। सो उस हिसाब से हम आपको इस पे साउंड डेमो देंगे, क्योंकि दोस्तों यार आप सबको पता है हम सेम ट्रैक को ही बार बार प्ले करते हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा एडवांटेज मिला है। तो हमने जब सोनी ST IV 300 का साउंड टेस्ट दिया था तो हमने सेम ट्रैक को ही प्ले करा था एंड दोस्तों जब हमने लॉजिटेक Z906 का साउंड टेस्ट दिया था तो तभी भी हमने सेम ट्रैक को ही प्ले करा था। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मतलब साउंड क्वालिटी तो पता लग जाएगी कि यार किस तरीके की दोनों मॉडल्स पर हमें मिलती है। बट यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि हमने साइड बाई साइड दोनों मॉडल्स को टेस्ट नहीं कराया। बट दोस्तों, मैंने पूरा टेस्ट कराया तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि यार इनमें से कौन सा ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपको दोनों मॉडल्स की अनबॉक्सिंग वीडियोस को डिटेल पे देखना होगा तो मैं दोनों मॉडल्स की अनबॉक्सिंग वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहां पे से देख लीजिएगा। क्योंकि आप सबको पता है यार, हम साउंड टेस्ट वीडियो हो या बैटल ग्राउंड वीडियो हो, हम डिटेल पे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में बात नहीं करते। सो मैं दोनों मॉडल्स की अनबॉक्सिंग वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड दोस्तों, आप सबको पता है यार, हम कोई भी बैटल ग्राउंड वीडियो लेकर आ रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट की वीडियो लेकर आते हैं, पहले हम उसे परचेस करते हैं, टेस्ट करते हैं एंड उसके बाद ही हम आपको वीडियो देते हैं। सो आप ये मत समझिएगा कि यार मैं स्पेसिफिकेशन पढ़ के आपको वीडियो दे रहा हूँ, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जो भी है दोस्तों, मैंने पूरा टेस्ट करा है एंड उसके बाद ही मैं आपको ये वीडियो लाकर दे रहा हूँ। सो वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के बारे में एक नजर डाल लेते हैं, फिर मैं आपको दोनों मॉडल्स पे साउंड कंपेयर करके दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दोनों मॉडल्स पे कनेक्टिविटी पोर्ट्स दिखा देता हूँ। देख लीजिए दोस्तों, हमें सोनी ST IV 300 पर एस मास्टर डिजिटल एम्पलीफायर मिल जाता है एंड देख लीजिए सामने की तरफ से हमें इस पर USB पोर्ट मिल जाता है। देख लीजिए बैक साइड पर हमें ऑप्टिकल इनपुट पोर्ट, कोएक्सियल पोर्ट, RCA इनपुट पोर्ट, FM एंटीना पोर्ट एंड हमें HDMI इन के 2 पोर्ट मिल जाते हैं, साथ में HDMI आउट के लिए भी ARC पोर्ट मिल जाता है। बाकी दोस्तों, हमें इस पर ब्लूटूथ एंड NFC की वायरलेस कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन मिल जाता है। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों, हमें Logitech Z906 पर कितने पोर्ट्स मिल जाते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, इस पर हमें 6 चैनल डायरेक्ट इनपुट पोर्ट मिल जाते हैं, हमें RCA इनपुट पोर्ट भी इस पे मिलते हैं एंड इस पर हमें 2 ऑप्टिकल इनपुट पोर्ट मिलते हैं एंड हमें कोएक्सियल पोर्ट भी इस पर मिल जाता है एंड इस पर हमें हेडफोन जैक एंड ऑक्सिलरी इनपुट पोर्ट भी मिल जाता है। तो दोस्तों, सोनी पर हमें क्लियर ऑडियो प्लस, स्क्रीन मिररिंग, डॉल्बी सराउंड प्रो लॉजिक, DTS SD, डॉल्बी ट्रू SD का सपोर्ट मिल जाता है एंड अगर हम बात करें लॉजिटेक Z906 की तो दोस्तों इस पर हमें THX सर्टिफिकेशन मिली हुई है, यानी कि जो एक्चुअल ऑडियो क्वालिटी रिकॉर्ड हुई है वो चीज़ हमें लॉजिटेक Z906 पर मिलेगी एंड दोस्तों इस पर हमें डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट मिल जाता है, साथ में DTS डिजिटल सराउंड साउंड का भी सपोर्ट मिलता है। एंड दोस्तों, दोनों के मैं आपको टोटल पावर आउटपुट्स बता देता हूँ। सोनी ST IV 300 पर हमें 1000 वॉट्स RMS का साउंड आउटपुट मिल जाता है एंड अगर हम बात करें लॉजिटेक Z906 की तो दोस्तों इस पर हमें 1000 वॉट्स की पीक पावर मिल जाती है एंड हमें 500 वॉट्स RMS का साउंड आउटपुट मिलता है। सो ओवरऑल दोस्तों, फीचर्स वाइज तो यार सोनी ST IV 300 आज की डेट के हिसाब से एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है अगर हम लॉजिटेक Z906 के सामने कंपेयर करें,
क्योंकि इस पर हमें सारे फीचर्स मिल जाते हैं। बट दोस्तों हमें एक चीज ये भी माननी पड़ेगी कि यार Logitech Z906 एक पुराना मॉडल है, सो यार उस पर ये सारे फीचर्स तभी हमें नहीं मिल पाते हैं। एंड मेरे हिसाब से दोस्तों यार Logitech को ये मॉडल को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये सारे फीचर्स आज की डेट के हिसाब से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर Logitech इस मॉडल पर ये सारे फीचर्स अपग्रेड कर देगा, मतलब कि सारे फीचर्स हमें मिल जाएंगे, तो यार मेरे हिसाब से ये फीचर्स वाइज भी काफ़ी बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम इन दोनों मॉडल्स पे साउंड कंपैरिजन कर लेते हैं, सो प्लीज आप अपने हेडफोन्स का यूज करिए, तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों हमने सेम फोन से दोनों सिस्टम को कनेक्ट करा हुआ है, बट जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि यार हम साइड बाय साइड कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हमने दोनों मॉडल्स की पुरानी वीडियोस यानी कि पुराने साउंड क्लिप्स को ऐड करा हुआ है, क्योंकि दोस्तों तभी आपको पता लग पाएगा कि यार एक्चुअल में दोनों मॉडल्स पे कितनी पावरफुल साउंड क्वालिटी हमें मिल जाती है या किसकी ज़्यादा बेटर हमें मिलती है। एंड जैसा कि आप सबको पता है यार Logitech Z906 पर हमें ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं मिलता है, सो हमने इस पर ब्लूटूथ कनेक्टर के थ्रू अपने फ़ोन को कनेक्ट करा हुआ है। राउंड वन जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है, हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है, राउंड 3।
सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा रोकूंगा। आपने एक चीज़ नोटिस करी, इसके बेस से हमारा पूरा ट्राइपॉड शेक करने लग जा रहा है, जो कि यार दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एंड आपको बहुत सारी वीडियोस में ऐसा सुनने को मिल रहा है कि यार इसका जो बेस है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, सोनी ST IV 300 का जो बेस है वो ज़्यादा पावरफुल है, बट रिजल्ट आपके सामने, आप एक बार और डिटेल में देखिए इस चीज़ को। तो दोस्तों कैसी लगी आपको दोनों मॉडल्स की साउंड क्वालिटी, बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक यार अब आपको पता लग गया होगा कि किस मॉडल पे ज़्यादा बेटर साउंड क्वालिटी हमें मिल जाती है। सो मुझे जरूर से कमेंट करके बताएगा कि यार आपको इन दोनों मॉडल्स में से किस मॉडल की साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेस्ट लगी। चलिए अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसा कि दोस्तों यार दोनों मॉडल्स काफ़ी बेस्ट हैं, एंड मेरे हिसाब से यार इन दोनों मॉडल्स में आप सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता होगा कि यार आप कौन सा मॉडल इनमें से परचेज करें। सो मैंने पूरी कोशिश करी कि यार मैं आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता पाऊँ। वैसे दोस्तों अगर हम फीचर्स के हिसाब से देखें यार, तो मेरे हिसाब से सोनी ST IV 300 क्लियर विनर है। हमें सारे फीचर्स सोनी ST IV 300 पर मिल जाते हैं। बट दोस्तों अगर हम बात करें साउंड क्वालिटी की, तो दोस्तों साउंड क्वालिटी में ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। दोस्तों यार अगर आपको साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेटर चाहिए ना, तो आप आँख बंद करके लॉजिटेक Z906 को परचेज करिए। आपको यकीनन इतनी पावरफुल साउंड क्वालिटी लॉजिटेक Z906 पर मिलेगी, आपका दिल खुश हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने दोनों को पर्सनली टेस्ट करा हुआ है एंड बहुत डिटेल पे करा हुआ है। तो दोस्तों साउंड क्वालिटी के हिसाब से तो आपको पता लग गया होगा कि यार इन दोनों मॉडल्स में से कौन सा बेस्ट है। दोस्तों ये चीज़ मैं मतलब यार पूरा टेस्ट करके एंड टू बी ऑनेस्ट आपको बता रहा हूँ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि यार आपको कौन सा मॉडल इनमें से ओवरऑल परचेज करना चाहिए। दोस्तों प्ले स्टेशन, ब्लू रे प्लेयर, सेटअप बॉक्स, मूवी वॉचिंग के लिए आप सोनी ST IV 300 को ही परचेज करिएगा। ये मैं टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, आपको इससे अच्छा सिस्टम इस प्राइस पॉइंट में नहीं मिलेगा। अगर दोस्तों आप बेस लवर हैं, म्यूजिक लवर हैं, एंड अगर आपको पीसी के लिए कोई बढ़िया सिस्टम चाहिए, तब दोस्तों आप लॉजिटेक Z906 को ही परचेस करिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। क्योंकि दोस्तों इस पर हमें 6 चैनल डायरेक्ट इनपुट पोर्ट मिल जाता है। एंड बेस के लिए तो यार कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप आँख बंद करके इस मॉडल को ही परचेस करिएगा अगर आप बेस लवर हैं। एंड अगर आप म्यूज़िक लवर हैं, तो दोस्तों तभी भी आपके लिए काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि इस पर हमें THX सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, जिससे दोस्तों इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो सारे सिस्टम से हमें बेस्ट मिलती है। सो ओवरऑल दोस्तों ये दोनों में मतलब मैंने आपको बता दिया है कि यार आपको इनमें से कौन सा मॉडल परचेस करना चाहिए। सो मैंने बिल्कुल दोस्तों टेस्ट करके आपको ये चीज़ बताई है। अगर आपको मतलब ऐसा कहीं और देखने को मिलता है विदाउट टेस्ट करे हुए, तो आप भरोसा मत करिएगा, क्योंकि आपको मतलब यार गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर दोस्तों आपको इन दोनों मॉडल्स के साउंड को और डिटेल में जानना है, तो ज़रूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की ID का लिंक दे दूंगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।